ग्रेट वी बी माइनस ग्रेट वी ए इज इक्वल टू डेल अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉट इज दिस इज नॉर्मल डेरिवेटिव एट द इंटरफेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके तो सिग्मा हमें निकालना है. व्हाट्स द कंडीशन उसको समझने के लिए आई हैव गिवन हियर वन इक्वेशन सॉरी न्यूमेरिकल एग्जांपल. कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. दिस इज जस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू अबाउट सिग्मा. हाउ कैन वी कैलकुलेट फॉर द इक्विपोटेंशियल फॉर दिस सरफेस व्हिच इज हैविंग पोटेंशियल. एक्सप्लेन कंसिडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ये तो एक प्लेन शीट का हो गया लेकिन अगर कोई स्फीयर है तो हम उसमें कैसे निकालेंगे उसका सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है अगर वो किसी मीडियम में रखा है ऊपर का मीडियम कुछ और अंदर का कुछ और देते हैं. कंसिडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सॉरी कंसिडर अ कंडक्टिंग स्फीयर consider a conducting sphere of radius capital R placed in air or dielectric medium. ये जिस medium में रखा है, okay, this you can consider either air or dielectric medium. ठीक है तो ये conductor है, this is conductor, okay, और ये या तो air है या कोई dielectric है. तो आपका medium क्या है, different है. Both are two different medium. तो ये जो surface हो गया, this is behaving as that shape which is separating these two medium. ठीक है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक इसके अंदर लिख लो when r is less than r और एक इसके बाहर वाले point पे निकाल लेते हैं when r is greater than r. But in which direction? Normal derivative at interface. What's the normal derivative here? यूनिट वेक्टर आर के अलोंग हमें निकालना होगा. ओके तो अब क्या निकालोगे, डेल फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर तो क्या आपको मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल आर. क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो तो कॉन्स्टेंट होता है सो दिस विल कम योर जीरो. ठीक फॉर आर ग्रेटर देन आर दिस विल गिव यू समथिंग वैल्यू डेल वी अपॉन डेल आर. ठीक है तो ये आपको क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक तो डेल वी अपॉन डेल आर यू विल गेट समथिंग. तो अगर दोनों पॉइंट पे निकालना है इफ दिस इज कंसिडर्ड एज बी और दिस इज कंसिडर्ड एज ए. ठीक है तो ये सॉरी ये भी आपका पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है तो आप क्या लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल आर और ये क्या है आपका माइनस डेल वी अपॉन डेल आर. डेल वी अपॉन डेल आर दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ यू नो वेरी वेल दिस थिंग, दिस इज इन दिस केस आई कैन से डेल वी अपॉन डेल आर. जब मैं अंदर के लिए बात कर रही हूँ शायद मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, दिस इज डेल वी अपॉन और ये भी डेल वी अपॉन डेल आर. बट यहां फॉर आर इज इन दिस केस वी इज कॉन्स्टेंट या फिर इसको मैं अलग रिप्रेजेंट ही कर दू, डेल वी डैश अपॉन डेल आर एंड डेल वी अपॉन डेल आर. जब हम अंदर की बात करें तो हमने पोटेंशियल को वी डैश लिखा है और बाहर के केस में हम पोटेंशियल को वी लिख रहे हैं. बट यू नो दिस वी डैश इज कॉन्स्टेंट तो डेल वी अपॉन इसका जो डिस्टेंस जो भी आप लोगे इसके अंदर जो उसका डेरिवेटिव होगा यूनिट वेक्टर आर के अलोंग दैट विल बी जीरो. बट हियर इट विल गिव यू सम वैल्यू सो जीरो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर फॉर द आउटसाइड इट विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल आर. Keep remember, this is the potential outside the sphere. V is
outside the sphere. Okay, this potential V is outside the sphere. V dash अंदर आपका constant होगा, तो वो क्या होगा, उसका derivative जो होगा वो zero होगा. Okay, so now let's do some more question based on this topic. तो हमें एक और यहां से जो formula मिले हैं वो आपके क्या है, actually this is according to vector, this will come, this one. अगर वेक्टर साइन हटा दे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल, और एक और है यहाँ पे कि डी वन परपेंडिकुलर इज माइनस डी टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा, ओके एफ, एंड then D1 parallel is not equal to D2 parallel, और एक और आपको मिला sigma is equal to, यहां पे लिख देते हैं बीच में sigma, नहीं नीचे लिखते हैं, ठीक है, sigma is equal to minus epsilon epsilon not del V upon del R या del Z, जो भी उनका नॉर्मल डेरिवेटिव एट इंटरफेस, इसके लिए मैं मेंशन कर देती हूं यहां पे, नॉर्मल डेरिवेटिव एट इंटरफेस. ओके, दिस वाज नॉर्मल डेरिवेटिव एट इंटरफेस. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Okay, write the question. Okay, see question number one. This is the diagram for the question. X, Y, Z and epsilon R1 is equal to 2.0, epsilon R2 is equal to 3.0, ठीक है, and this is the phase of interface here, sigma F is equal to 0. Sigma F is equal to 0, that means E1 perpendicular is equal to E2 perpendicular. Okay? So, let's see. What you have to find when what is given? It is asked. It is given vector E1 is equal to 2 x cap plus 3 y cap minus 4 of z cap. What you have to find, E2, vector E2 you have to find. Okay, sigma f is given as 0. Ab dekhiye isko kaise karte hain. You can see sigma f, this is representing one interface line. So interface line sigma f is equal to 0. Aur iske niche xy plane, ye yahan pe z axis niche badhega. Matlab z axis is the एक्सेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे z एक्सेस के अलावा आप कह सकते हैं ऊपर गए तो एप्सिलॉन r1 और नीचे आए तो एप्सिलॉन r2. तो ये जो xy प्लेन है दैट इज योर सेपरेटिंग इंटरफेस. सो व्हाट यू विल राइट हियर सॉल्यूशन फॉर xy इज द इंटरफेस, ठीक है, तो आपका पैरेलल कंपोनेंट किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस में होगा, जेड में. यही चीज इसमें क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सबको कर लेते हैं लेकिन डाउट इसी में होता है.
तो शुरू से मैं आपको बता रही हूँ कि जो कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा दैट इज द पैरेलल कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर में आएगा दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, तो अब एक्स वाई प्लेन में आने वाला जो कंपोनेंट है दैट इज द पैरेलल वन। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन में आने वाला जो कंपोनेंट है वो पैरेलल है, एंड यू नो ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल। एज यू नो ई वन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल। हियर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आर द पैरेलल। ओके, हियर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर पैरेलल, सो देयरफॉर ई टू हाफ सम पार्ट ऑफ द ई टू जस्ट पैरेलल पार्ट ऑफ द ई टू इज योर टू एक्स कैप प्लस थ्री ऑफ वाई कैप। ओके, व्हिच इज इक्वल टू योर ई वन पैरेलल कंपोनेंट। ओके, सो वी गॉट ई टू पैरेलल, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ई वन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ई वन परपेंडिकुलर की एक कंडीशन है, बट यू कैन सी कि वहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो लेकिन यहाँ दो मीडियम दे रखा है जिसकी अलग अलग परमिटिविटी की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट इफ देयर इज नो सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर हियर, तो उसके लिए हम डी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज डी गिव्स अस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन टू। सो व्हाट वी विल राइट हियर कि सिंस d1 perpendicular minus d2 perpendicular is equal to 0 as sigma of f is equal to 0, so you will get d1 perpendicular is equal to d2 perpendicular. So d1 perpendicular matlab kya ho gaya, since you know d is equal to epsilon not into e, so e1 perpendicular upon e2 perpendicular is equal to epsilon 2 upon epsilon 1, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया और एक ये हो गया कि e1 perpendicular upon e2 perpendicular is equal to sigma 2 upon sigma 1। अब इनमें सबसे ज्यादा यूज किस फॉर्मूले का डायरेक्ट आप करोगे वो फॉर्मूला आपका ही है, देख लो आप, ये दो फॉर्मूले का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ईवन पैरेलल इज इक्वल टू ई टू पैरेलल एंड ईवन परपेंडिकुलर अपॉन ई टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन। तो हमें यहां से आसानी से मिल गया क्योंकि व्हाट इज माय ईवन परपेंडिकुलर is minus 4 upon E2 perpendicular is equal to epsilon 2 is 3 upon 2, तो E2 perpendicular कितना हो गया minus 4 2 is 8 upon 3, तो vector E2 आपका कितना हो गया total, और parallel का लिखोगे 2x cap प्लस थ्री वाई कैप माइनस एट अपॉन थ्री जेड कैप, ठीक है? तो ये हो गया आपका ई टू। देखिए उसमें ध्यान देने की बात कहां पर है, आपको देखना पड़ेगा कि इंटरफेस जो सेपरेट कर रहा है वो ये हो गया एक्स वाई शीट, आपकी सेपरेशन शीट हो गई, तो एक्स वाई आपका पैरेलल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल होगा, आपको निकालना क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसके लिए ये रिलेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, now let's find out one more, let's do one more question from this part, or let me check some more question ki kaun sa karungi. Okay, see another question is there,
अंदर क्वेश्चन इस्ते एक्स वाई जेड है ठीक है तो ये आपका एप्सिलॉन आर वन इज इक्वल टू टू एप्सिलॉन आर टू इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां बात हो रही है एक्स वाई जेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे दिस इज ई वन और ये है ई टू ओके दिस इज मेकिंग दिस इज ई वन ओके वेक्टर ई वन और इसका एंगल है थीटा वन और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहे हैं थीटा टू एंड दिस इज ई टू ओके थीटा टू क्या की मैंने सेकेंड क्वेश्चन वेक्टर ई वन इज गिवन एज टू एक्स कैप माइनस थ्री वाई कैप प्लस फाइव जेड कैप वोल्ट पर मीटर ओके व्हाट यू हैव टू फाइंड फाइंड डी टू और थीटा वन एंड थीटा टू ये सब निकालना है ओके अगेन इट हैज बीन गिवन ओवर हियर एज सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो अब फिर से देखिए आप मेरे साथ ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस है एक्स वाई प्लेन आपका प्लेन ऑफ इंटरफेस है जिसपे फ्री चार्ज डेंसिटी आपकी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है इस बार एक रीजन में मीडियम टू और मीडियम वन में जहां पे वो हॉरिजॉन्टल से या कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन से थीटा टू और थीटा वन एंगल बना रहा है नाउ हाउ यू हैव टू फाइंड डी टू सबसे पहले क्या करते हैं जो इंटरफेस है प्लेन का उसमें हम देखते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है तो यहां पे सॉल्व करते हैं एक्स वाई इज पैरेलल प्लेन इंटरफेस पैरेलल प्लेन इंटरफेस ठीक है तो अगर पैरेलल प्लेन इंटरफेस है इसका मतलब क्या होगा कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल मींस आप हमेशा स्टार्ट करना तो आपको E2 पैरेलल कितना मिल जाएगा E2 पैरेलल इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2x कैप माइनस 3y कैप देन अगेन अबाउट E1 परपेंडिकुलर अपॉन E2 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन व्हाट इज योर ई वन परपेंडिकुलर इज फाइव ई टू परपेंडिकुलर इज अननोन वी हैव टू फाइंड इट एंड व्हाट्स माय एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन टू इज माय फाइव एंड दिस इज फाइव और थ्री फाइव दिस इज रिटन एज फाइव ओके एंड देन एप्सिलॉन दिस इज टू तो हमें क्या मिल जाएगा E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टू ठीक है तो आपको टोटल E2 कितना मिलेगा E2 इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट लिख लो 2x कैप माइनस 3y कैप और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस 2z कैप z कैप अब आपको क्या निकालना था यहां पे थीटा 1 आपको निकालना है व्हाट इज योर थीटा 1 What else we have to find here? We have to find theta 1 and theta 2. तो जब भी हम theta 1 को निकालना होगा तो ऐसे मत करने लगना कि E1 perpendicular upon E1 base. ये गलत होगा इसके अलावा आपको ये निकालना है वेक्टर E1 dot z cap है ना वेक्टर E1 dot z cap. ठीक इसको अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी आपको पता है
this is vector e1 dot z cap is equal to mod of e1 or cos, इनके बीच में जो भी एंगल है ये, तो e1 और z cap के बीच में कितना एंगल है 90 minus theta 1, this will come 90 minus theta 1, तो अगर हम इसको क्या लिखेंगे mod of e1, this is sine of theta 1, और vector e1 dot z cap यहाँ पे, तो e1 की वैल्यू आपकी कितनी है, e1 is equal to 2x cap minus 3y plus 5z cap, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5z cap dot z cap is equal to vector e1 का mod, ठीक, तो vector e1 का mod, तो 5z cap dot z cap is equal to 5, और या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि sin theta 1 is equal to 5 upon अंडर रूट e1 का स्क्वायर मतलब 4, 9 एंड 25, तो 25 प्लस 30 का अंडर रूट में हमें लेना पड़ेगा, दिस विल कम 38, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको थीटा 2 निकालना है तो हम इसका अलोंग z वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे, this is second, then third part is here, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, we will find vector e2 dot z cap, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, vector e2, mod of vector e2, और z cap से जो भी उसका एंगल है, cos 90 minus theta 2, जो फिर से हो जाएगा sin of theta 2, ठीक है, तो sin of theta 2 is equal to e2 dot z cap, what is your e2, that is your 2, और ये आपका हो जाएगा under root 2 का square plus 3 का square plus 2 का square, तो 4, 4, 8 plus 9, 17, this is your value, okay, तो ये दो आपके angle हो गए, this question is, this type, question is important, okay, so in the same way we have many questions over here, कुछ questions मैं आपको definitely assignment पे दूंगी, don't forget to solve assignment, अगर EMT में आप assignment नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी, जरूर solve करिएगा EMT में assignment, okay, you have time, अगर आप jam के लिए बात करो, so you have sufficient time to prepare for EMT, definitely do practice for EMT, okay, एक यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे सामने, जो हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर EMT का असाइनमेंट हम स्टार्ट करें तो थियरी के साथ असाइनमेंट, मैं 21 नवंबर तक कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो एग्जाम आपका फेब में है, पूरा 10 दिन ये और 10 वो, एक महीना पूरा बचा आपके पास, ईएमटी का असाइनमेंट जरूर करो वरना दिक्कत होगी, ठीक है, या नहीं टाइम है, नहीं टाइम है, रेयर कंडीशन है, उस सिचुएशन में ही आप इसको अच्छे से स्पीड अप कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, ओके, ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज मल्टीपोल एक्सपांशन, ओके,